बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है जनाब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओरियो केक। जो ओरियो केक है इसका तो शेफ आज डिफरेंट है, मैं शेफ नहीं हूँ, मेरा जो बेटा है अयान वो शेफ है। उसने मुझे मदर डे पे ये केक बना के खिलाया, मैंने उसको सिखाया था। तो आज मैं चाहती हूँ कि अयान आपको ये केक बनाना सिखाएं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूँ। तो आप इसमें 4 पैकेट ओरियो यूज़ करेंगे और इसकी क्रीम को रिमूव नहीं करना, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको मैंने 4 पैकेट्स को ऑलरेडी पहले ही क्रश करके इसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा, आपको ओरियो केक ओरियो बिस्किट को क्रश करके अच्छे तरीके से रखना है, क्रश करके आपको रखना है। इसके अलावा आप इसमें फ्रेश मिल्क लेंगे, जो भी आपके पास मिल्क अवेलेबल है वो ले लें। कोई भी घर में चॉकलेट्स हो, मेरे पास थी इसमें चॉकलेट्स, थोड़ी किटकैट का एक पैकेट था, मार्स थी, मैंने उनको छोटा छोटा क्रश कर लिया केक के ऊपर डेकोरेट करने के लिए। ये ऑप्शनल है, चॉकलेट ऊपर आपने डालनी है तो भी और नहीं भी डालनी तो भी। इसके अलावा हम इसमें यूज करेंगे ये चॉकलेट सिरप। आपके पास कोई भी चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट पाउडर अगर आपके पास है तो उसका हल्का सा दूध में मिला के पेस्ट बना लें, कोई भी चीज़ चॉकलेट की अवेलेबल। मैं इसमें चॉकलेट सिरप डालूंगी ऊपर से, लेकिन अभी हम केक तैयार करेंगे। इसमें जो है ये 4 पैकेट बिस्किट है, मैंने इसको क्रश करके रख दिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे और अब हम अयान से पूछते हैं कि वो हमें कैसे बताएंगे। जी, ये तो मेरे छोटे से प्रिंस जो हैं अयान हैं, सैयद अयान अहमद कादरी, तो ये जो हैं आपको केक बनाना सिखा रहे हैं। तो अयान आप रेडी हैं? यस। ठीक है, तो आप बताइएगा मेरे व्यूवर्स को कि केक कैसे बनाना है। ओके, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं ये केक बनाऊंगा, आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हम मेरी मम्मा के चैनल को। और अभी हम केक बनाते हैं। जी अयान, बताएं तो आप आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे? हमें मिल्क ये ओरियो में डालना है जब तक कि डीप हो जाए। ठीक है, फिर इसको हमें माइक्रोवेव ओवन में 5 मिनट के लिए रखना है। जी, तो जनाब आपने इसमें जो मिल्क है, अयान का मतलब ये है, अयान थोड़े से शर्मा रहे हैं, वैसे बड़ा अच्छा मुझे मदर डे पे उन्होंने केक बना के खिलाया था, तो इसको इतना ही आपने मिल्क ऐड करना है जितना ये एब्जॉर्ब कर सके, बहुत ज्यादा नहीं करना क्योंकि हमें केक की शक्ल देनी। बहुत मजे का और मिनटों में जो है ना ये केक बनने वाला है। अगर आपको दूध ज्यादा लग जाए तो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा, दूध ज्यादा नहीं रखना है। अब इसको हम माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास ओवन है तो इलेक्ट्रिक ओवन है तो उसमें आप 10 मिनट के लिए रखें, माइक्रोवेव ओवन की हीट ज्यादा तेज होती है। अब हम इसे कुक करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, अब ये रेडी है। जी व्यूअर्स, ये 5 मिनट मैंने इसे कुक किया है माइक्रोवेव ओवन में और आप देख सकते हैं अभी बहुत ज्यादा गर्म है। मैं इसके थोड़े सेटल होने का वेट करूंगी और ये बहुत मजे का केक बनता है। इसमें शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करी क्योंकि ओरियो में ऑलरेडी बहुत ज्यादा शुगर होती है और क्रीम भी उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थी, मैंने क्रीम भी रिमूव नहीं करी है। और ये 5 मिनट मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में कुक किया। अच्छा, आप देख लीजिएगा इसका टेक्स्चर कि ये थोड़ा हार्ड हो जाए, देख सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है आपका जो है वो माइक्रोवेव ओवन का हीट जो है या टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो ये ध्यान रखिएगा। और मिल्क का ध्यान रखिएगा कि हमने बिल्कुल नॉर्मल डालना है, बिल्कुल इसके पूरा ये डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तो ये लिक्विड इसका जो है ना फिर वो लिक्विड लिक्विड टेक्स्चर आएगा। तो ये बहुत शानदार केक बना है। अब हम इसको थोड़ा टाइम देंगे सेटल होने का, फिर ये जो चॉकलेट जो मैंने थोड़ी सी क्रश करके रखी है और चॉकलेट सिरप है वो डाल के मैं अपने प्यारे से जो शेफ़ हैं, छोटे नन्हे मुन्ने से जो शेफ़ हैं, इनका केक आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो अयान आपसे बात करना चाहेंगे। प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरा केक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा और इससे इसको जल्दी से जल्दी शेयर करेगा। जी व्यूवर्स, तो केक देखें सेटल हो गया है, ओरियो का जो केक था कितना इजी और मजे का है। आज तो जो मेरे फैंस हैं बहुत खुश होंगे क्योंकि झटपट वाली मैंने डिशें बताई हैं। तो अब ये देख लें, इसे साइड छोड़ दिए हैं, थोड़ा ये कूल हो गया है, थोड़ा सेटल हो गया है। अब आप एक प्लेट लें और इसे प्रॉपर भाई बाहर वाले स्टाइल से ही हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जनाब, अभी भी इसमें से जो स्टीम है वो निकल रही है और बहुत ज़बरदस्त, देखा आपने। अब आप इसको सेंटर में शिफ्ट करें और अयान ने बहुत शानदार, मेरा बेटा माशाल्लाह मदर्स डे पे इसने बनाया था, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई कि व्यूवर्स मैं आपको बता नहीं सकती। तो थोड़ी सी जो चॉकलेट्स हैं वो हम इसके ऊपर डालेंगे जो मैंने क्रश करके रखी हुई थी। और अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कितना ये मेरे बेटे ने प्यारा सा केक बनाया। तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर शेयर करना है
जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपने इसे और बताना है मुझे। और अब हम इस पे चॉकलेट जो सीरम है वो जो है डालेंगे, और ये देखिएगा आप कितना खूबसूरत ये बनता है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब मेरे आज प्यारे से व्यूवर्स बहुत खुश होने वाले हैं। झटपट की डिशेस लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, और सारी चीजें ये घर में अवेलेबल होती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो चीज अवेलेबल ना हो। तो आप इसकी लुक चेक करें, केक की लुक देखें आप कितनी खूबसूरत है। बस अब इसी बात पे जल्दी मेरे प्यारे से व्यूवर जो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ये आपका चैनल है, इसको जल्द से जल्द आपने ग्रो अप करना है, और बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज।